ये कैसे किया तूने? वो क्या है ना, मैं I don't know. तो हेलो मेरे फ्री फायर प्लेयर, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का इस वीडियो में मैं आपको यूएमपी वाली गन जो होती है फ्री फायर में, जो यूएमपी गन होता है, उसी गन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट कैसे मारा जाए यूएमपी गन से, और मैं कैसे ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट लगा पाता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं सारी चीजों को कवर करने वाला हूं जिनके कारण आपका हेडशॉट नहीं लगता, क्या क्या मिस्टेक्स करते हो आप गन चलाते समय, यूएमपी गन चलाते समय क्या क्या मिस्टेक्स करते हो, क्या क्या गलतियां करते हो जिनके कारण आपका यूएमपी गन से हेडशॉट नहीं लगता, और साथ मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसे कवर कर, जिसे फॉलो कर आप ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट यूएमपी गन से लगा सकते हो, ठीक है? तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखो, और भाई आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सबसे पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यूएमपी के रिकॉइल प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा, ठीक है? क्योंकि यूएमपी में बहुत ज़्यादा गोली रिक्वायर होता है, बुलेट जो है सो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा कि इसको कैसे कम करें, ठीक है? क्योंकि जब तक आप रिक्वायर प्रॉब्लम को कम नहीं करोगे, ठीक है, तब तक आपके सारे के सारे गोली हेड नहीं जाने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो आप देखते होंगे कि बड़े बड़े यूट्यूबर जब गेम प्ले करते हैं तो उनका गेम प्ले में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि वो क्या करते हैं कि कभी भी लगातार अपने यूएमपी गन से बुलेट को फायर नहीं करते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं कि 4 से 5 गोली चलाते हैं, ठीक है, बुलेट जैसे 4 से 5 बुलेट फायर होती है, फिर वो क्या करते हैं ग्लूवल लगाते हैं या तो फिर वेपन स्विच बटन पर क्लिक करते हैं या रीलोड करते हैं, ठीक है? और आप गलती कहाँ पे करते हो पता है? आप गलती यहीं पे करते हो, ठीक ना? आप यहाँ पे क्या गलती करते हो कि आप लगातार गोली इस तरीके से चलाते हो, बिल्कुल इस तरीके से लगातार चलाते रहते हो, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि गोली जो है तो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है, ठीक है? आप इसमें क्या है कि हेड पर भी अगर चल गया, ठीक ना, तो एक गलती से तुक्का से हेड लग जाएगा, बट क्या होगा कि रिक्वायर सारा गोली रिक्वायर चल जाएगा, ठीक है? तो इससे हेडशॉट नहीं लगने वाला है, ठीक है? तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि 4 से 5 गोली 6 गोली चलाना है, ठीक है? 6 या 7, इससे ज़्यादा नहीं चलाना है। इससे ज़्यादा अगर चलाओगे तो आपका हेडशॉट नहीं लगने वाला है। तो 6 से 7 गोली चलाना है, उसके बाद गन स्विच वेपन स्विच बटन, ठीक है, या फिर ग्लूवल लगा लो या फिर रिलोड कर लो, ठीक है, लेकिन 6 गोली से ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है? अब बोलो यार मैं 6 गोली क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है? पता है आपको क्यों बोल रहा हूँ? यार 6 गोली तक ना एक क्यूरीसी बहुत मस्त रहती है, ठीक है? तो आपको जो है ना, आप जब कभी भी यूएमपी चलाओ, ठीक ना, तो आपको क्या करना है कि 6 गोली से ज़्यादा बुलेट फायर नहीं करना है, 6 गोली से ज़्यादा नहीं चलाना है, ठीक है? 6 गोली से ज़्यादा अगर आप चलाओगे, ठीक है, तो आपका जो है सो बंदे के ऊपर से एम जो है ना डिसकनेक्ट हो जाएगा, मतलब बुलेट ना रिक्वायर होने लगेगी। तो 6 गोली से ज़्यादा आपको नहीं चलाना है, आप उससे कम भी चला सकते हो, ठीक है, जैसे 5, 4, 3, ठीक है, आप इतना गोली चला सकते हो, उससे कम कर सकते हो, लेकिन 6 से ज़्यादा आप मत चलाओ, ठीक है? और ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट मारना चाहते हो तो, क्योंकि आप बड़े से बड़े प्लेयर को देख लो, ठीक है, बड़े से बड़े यूट्यूबर को देख लो, वो क्या करते हैं कि इसी तरीके से गेम प्ले करते हैं, ठीक है, गोली चलाए, 2 से 4 गोली चलाए फिर ग्लूवल डाले, दो से चार गोली चलाए फिर ग्लूवल डाले, ठीक है, इसी तरीके से वो गेम प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा गोली नहीं चलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं ज़्यादा गोली चलाऊंगा तो रिक्वायर चला जाएगा और मेरा जो हेडशॉट नहीं लगेगा, तो वो इस तरीके से गेम प्ले करते हैं। तो सेम आप इस तरीके, मतलब इस ट्रिक को फॉलो करके आप जो है सो अच्छा गेम प्ले कर सकते हो, आई मीन ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट लगा सकते हो। तो यूएमपी किस तरीके से रिक्वायर करती है, रिक्वायर वाली प्रॉब्लम तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो अब मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ फायर बटन साइज वगैरह, मतलब फायर बटन के बारे में पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फायर बटन का साइज जो है सो क्या रखना चाहिए, ठीक है, और फायर बटन जो है सो कहाँ रखना चाहिए, ठीक है, अपने कस्टम एचओडी में अपने फायर बटन को कहाँ रखना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मेरा हेडशॉट इजीली हेडशॉट और ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट लगे और खासकर ड्रैग करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखो मैं सबसे पहले जो बात करने वाला हूँ, अपने फायर बटन को कस्टम एचओडी में कहाँ रखना चाहिए, ठीक है, अपने फायर बटन को कस्टम एचओडी में कहाँ रखना चाहिए। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि अपने फायर बटन को कहीं पे भी सेट कर रहे हैं, यार ये कोई मतलब नहीं हुआ, कहीं पे भी सेट कर रहे हैं, कोई यूट्यूबर आके बोल देता है यहाँ कर लो बस वहाँ कर देते हैं, यार ऐसे थोड़ी ना होता है। फायर बटन साइज को ड्रैग करने का जगह मिलना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप सेट करो जो कि अच्छे तरीके से ड्रैग हो, आप अच्छे तरीके से फायर बटन को ड्रैग कर सको, वहाँ पे सेट करना है, ये नहीं कि कहीं पर भी सेट कर दिए। कोई दोस्त आके बोला यार मैं अपने फायर बटन के साइज को यहाँ रखता हूँ मेरा हेडशॉट लगता है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि
आप भी अपने फायर बटन के साइज को वहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। तो आपको ऐसे जगह सेट करना है जहाँ से ड्रैग करने में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब क्या है कि बहुत से बंदे क्या करते हैं कि अपने फायर बटन के साइज को ऊपर कर देते हैं। जब वो अपने फायर बटन के साइज को ऊपर करते हैं तो दूर में हेडशॉट उनका ठीक लगेगा। यूएमपी से अगर बंदे दूर में रहेंगे तो हेडशॉट ठीक लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब नज़दीक आएंगे, क्लोज रेंज में आएंगे, ठीक है, तो उनसे क्या होगी, दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, ठीक है, उनसे हेडशॉट नहीं लगेगा। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट जगह सेट करनी है अपने फायर बटन के साइज को, ठीक है, मतलब अपने फायर बटन को परफेक्ट जगह पे सेट करनी है। तो चलिए मैं आपको परफेक्ट जगह बताता हूँ कि आपको अपने कस्टम एचओडी में फायर बटन को कहाँ रखना है, और मैं अपने कस्टम एचओडी में अपने फायर बटन को कहाँ रखता हूँ, जिससे कि मेरा इजीली इतना जो आप देख रहे हैं, मेरा गेम प्ले देख रहे हैं, यूएमपी से जो हेडशॉट लग रहा है, इतने रेड नंबर वाले, ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट जो लग रहे हैं। तो चलिए मैं अपने कस्टम एचओडी में जाके आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रहा मेरा कस्टम एचओडी, और आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फायर बटन कहाँ पे है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फायर बटन जंप बटन और क्राउच बटन के बीच में है, ठीक है, और मोबाइल के स्क्रीन से थोड़ा सा ऊपर है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर है, ना ही ज्यादा ऊपर है और ना ही कम ऊपर है। आपको कम ऊपर भी नहीं रखना है, मतलब कि ज्यादा नीचे भी नहीं रखना है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है, जितना कि नीचे आराम से ड्रैग हो सके, ठीक है। तो आपको भी अपने कस्टम एचओडी में अपने फायर बटन को इतना ही ऊपर रखना है, स्क्रीन से इतना ही ऊपर रखना है। अब देखो इससे होगा कि आपको जो है ना स्पेस काफी ज्यादा मिलेगा, काफी ज्यादा स्पेस मिलेगा ड्रैग करने के लिए, ठीक है। तो बंदा नजदीक में भी रहेगा तो भी आप आसानी से हेडशॉट दे सकते हो, ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट आसानी से दे सकते हो, ठीक है। तो आपको जस्ट इसी तरीके से अपने फायर बटन को रखना है, ना ज्यादा ऊपर रखना है और ना ज्यादा नीचे रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको अपने फायर बटन के साइज को कितना रखना है। देखो मैं अपने फायर बटन के साइज को 50 रखा हूँ, ठीक है, आप 45 भी रख सकते हो, ठीक है, लेकिन 40 से कम मत करो। अगर 40 से कम करोगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ड्रैग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, कभी फायर बटन टच नहीं होगा, ये वो ऐसे करके बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। तो आप 40 से प्लस रखो, ठीक है, और 50 के अंदर या 55 जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो, ठीक है। मैं तो अपने फायर बटन के साइज को 50 रखा हूं, और इससे मेरा अच्छा खासा हेडशॉट भी लग जाता है, मतलब यूएमपी से ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट लग जाता है, ठीक है। बाकी आप देख लो 50 या 55 या 45 या 40 से नीचे नहीं रखना है, ठीक है, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। तो और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक ना, आप ट्रेनिंग करो। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करोगे ना, तब तक आपका ओनली रेड नंबर वाला हेडशॉट नहीं लगने वाला है। तो भाई मैंने जितने भी ट्रिक्स बताया है, जो भी बताया है, वो जाके आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके ट्रेनिंग करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका हैंड स्पीड बढ़ेगा, प्लस में मूवमेंट बढ़ेगा, और क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग करोगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है कि कब बुलेट चलाना है, नहीं चलाना है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जाके ट्रेनिंग करो। तो गाइस आप जाके ट्रेनिंग करो, बट मेरे वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी आप जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ यार मैं आपके लिए। We'll be right back.